अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज है जी पहला रोज़ा और अल्हम्दुलिल्लाह हमने रोज़ा रखा हुआ है। और रोज़े की कंडीशन की बात की जाए तो यार रोज़ा फ़िलहाल महसूस भी नहीं हो रहा कि यार कोई भूख ना प्यास नथिंग, क्योंकि सुबह मैंने ना बहुत ठूस के जो है ना सहरी की थी। अभी असर पढ़ के आए हैं और लड़के कह रहे थे यार टाइम पास नहीं हो रहा तो कोई गेम शेम कर लेते हैं, तो मैंने उन्हें बोला यार आ जाओ क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। अभी मैं आया हूँ फसल देखने के लिए, मैंने कहा यार फसल की भी अपडेट देख लें यार फसल के क्या रंग रोगन निकले हैं। फसल की बात की जाए तो फसल जो है अपने कद को बड़ा कर चुकी है और पकने की तरफ जो है ना इसने अपनी दौड़ लगा दी है। इंशाल्लाह जब तक ये रमज़ान ख़त्म होगा इसने पक जाना है और उसके बाद जो है हमारी जो ड्यूटीज़ हैं इनके ऊपर वो थोड़ी बढ़ जाएंगी। इनकी कटाई करना और उसके बाद हार्वेस्ट करना वो एक अपना ही मज़ा है, उस वाइब है उसकी अपनी उस सारे काम की। तो अभी लड़के जो है कब्रिस्तान में काउंटी लगाई हुई इन्होंने, क्योंकि हमने पूरा मैच नहीं लगाया, पूरा मैच इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उसमें ज़रा मुश्किल हो जाता है भागना दौड़ना और फिर रोज़ा भी है तो रोज़ा ख़राब होता है। तो अभी जो है ना बच्चों ने काउंटी लगाई है और शाफ साहब बैटिंग कर रहे हैं, फर्स्ट पे आए हैं, पता नहीं कैसे इन्हें पहली बैटिंग मिल गया। यार तुझे पहली बैटिंग कैसे कैसे मिली है? पुगे अच्छा भाई साहब जो है ना वो पुग के पहले नंबर पे आ गए हैं। मेरी केड़ी बारी है आखिरी, मतलब ना ही समझे जी अफतारी का टाइम आ जाना है और यहाँ पे हमारी आखिरी बारी लग चुकी है। अभी दीवार फलांगते हैं और जाते हैं उधर और मैच खेलते हैं और मैच की चस लेते हैं। मैच खेलने से पहले आपको मैं अपने कब्रिस्तान का विजिट कराता हूँ। यहाँ पे जो है ना बहुत पुरानी कब्रें हैं और कब्रें इतनी पुरानी है कि उनका जो है ना नामो निशान मिट चुका है। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले कब्रें दिखाऊंगा, उसके बाद जो है ना मैच खेलेंगे, आपको थोड़ी सी ना चस चुस दिखाएंगे मैच की। हमारे शानी साहब हैं, दी डॉन ऑफ अवर विलेज। अरे रोज़ा रखे कोई नहीं तू? ये तो जुल्म है भाई जी, मार इसकी आउट कर रहे। अच्छा आगे मैं आपको बता रहा था कब्रें दिखाऊंगा आपको बहुत ही पुरानी वाली, तो मैं उन कब्रों की जानिब जा रहा हूँ और आपको कब्रें दिखाता हूँ बहुत ही पुरानी, जिनको हमारे गांव का कोई बना नहीं जानता यार कि किसकी कब्र है। गालबन 1947 से पहले सिखों के दौर में ये कब्रें बनी हैं और तब से यहीं पे हैं। ये चेक करें, ये पत्थर इतना पुराना है कि ये गल सड़ चुके हैं ऊपर से और ये यहाँ पे नीचे पत्थर हैं ये सारे इर्द गिर्द। यहाँ पे सारे पत्थरों वाली कब्रें थी लेकिन ये ख़त्म हो चुकी हैं, ये एक रह गई है बहुत पुरानी जिसके ऊपर पत्थर लगा हुआ है। उस टाइम का ये सीमेंट है और बहुत मज़बूत है अभी तक। ये देखिए सबसे ग्राउंड है, ये फिर थोड़ा अप है, ये फिर थोड़ा अप है और फिर ये ऊपर ऐसे डिज़ाइन बना हुआ है। तो ये बहुत ही पुरानी कब्रें हैं और ये भी सारी कब्रें ही कब्रें हैं लेकिन ये मिट चुकी हैं। यहाँ पे भी कब्रें थी और यहाँ पे एक बहुत बड़ी कब्र है जिसको हम बचपन में कश्ती बनाते थे, इसके ऊपर हम खेलते थे, कश्ती बनाई होती थी कि ये हमारा जहाज़ है। और ये बहुत बड़ी कब्र है, पता नहीं ये कौन से अलादीन की कब्र है, आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें जी, ये वो कब्र जिसकी मैं बात कर रहा था कि इसको हम कश्ती बनाते थे और ये साइज़ में बहुत बड़ी है। ये मेरा हाथ कितना छोटा लग रहा है इसके आगे, अता मोहम्मद। बाकी मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे गांव के एक बहुत बुजुर्ग यूट्यूबर से जो सर डन हो गया। क्या हाल है जी? ठीक हो? थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज ऑफ पाकिस्तान के ओनर साहब हैं। आपने पौधे लगाए हैं सुना है पीछे यहाँ पे, मैंने आपकी वीडियो देखी थी। बस यार बूटे असल लाने हैं लेकिन जागत पट छोड़ने ने खेड़े केड़े जागत बटने जी थे ते कह रहे बूटा लगे ऐसे खत्म हो गया, ए ते कह रहे बूटा मर गया किसना और लगे और बिल्कुल नीवा हो गया। अच्छा जी मैं तो सुनी जा रही फिर भी है असा तो बहुत अरसे बाद इधर आए असा हूं थल्ला जाना चंगे उठे खेड़ी है बूटे रे फाल है जाके तो मारे डाई दे ना बूटा जाना पैर चला जाना। ये तो है, बाकी चैनल ठीक जा रहा है तुसा ना लोग वीडियो तकनी को अल्लाह का शुक्र है ना कोई वीडियो तकना तो ना जनाब कोई लाइक करना तो ना कोई सब्सक्राइब करना अल्लाह ना खैर। जो मेरे को 50-100 व्यूज आएंगे मैं इनके चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा उसको हमें लाजमी से सब्सक्राइब करना है। अरे जी शरीफ भाई को रिकमेंड करें कि बिकॉज़ ही जस्ट About to monetize, ठीक है जी? Yeah. तो ये भाई हमारा monetize हो जाए हम इससे फिर कोई खाएंगे पियेंगे तो thank you very much, love you जी। thank you. की थी, अभी जरा मैच की तरफ आते हैं, जरा मैं ट्राइपॉड कहीं पे सेट करता हूँ फिर मैच खेलते हैं जरा। oh.
ਮਾੜੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਆਊਟ What a gap shot. Look at the ओए रास्ता गेट ना। और यार मैच खेल खेल के पसीने निकल आए हैं और मैं फिर से आउट हो गया हूँ। और ये देख ना यार, ये पसीना नहीं है, ये देख, ये देखे पसीना। अबे साले, खैर अब मैच को करते हैं बंद, चलते हैं घर की तरफ क्योंकि अफ्तारी का टाइम नजदीक है, तो रोजा भी खोलना है और ये आउट हो गया। माना डॉन A few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा इफ्तारी करने के बाद आप चला भी नहीं जा रहा और मस्जिद जा रहे हैं। और कल खबर आई थी यार कि शैतान सारे डक दिए गए हैं, लेकिन एक खुलेआम घूम रहा है। अभी जाके नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे और एक कंप्लेन दर्ज कराएंगे कि एक जो शैतान है वो खुला घूम रहा है। सर कैसे हैं आप? Yeah, I'm good. बच गया। बच गया? Yeah. किसा बचे? First time बच गया। यार व्यू चेक करो यार, आसमान का कितना प्यारा है। Fantastic, wonderful. Wonderful. Yeah. चलते हैं जी, नमाज पढ़ते हैं। अब जरा ये काम उल्टा छुट्टे छोड़ दें जरा। नमाज पढ़ के जी घर वापस आ चुकी है और अब मैं वीडियो एडिट करने जा रहा हूँ। बस बिस्तरे में लेटने लगा हूँ और ईशा से पहले पहले मैंने वीडियो एडिट करके अपलोडिंग में लगा के ईशा पढ़ने जाऊंगा, वापस आके फिर थंबनेल लगा के पब्लिक कर दूंगा। बड़े मुश्किल है जी, यूट्यूबर बनना कोई सोहा काम नहीं है। खैर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।